अगर आप खरीदना चाह रहे हो फ़ोन 11 से 12 हज़ार तक का नया और फ्लिपकार्ट वेट कर रहे हो किसी सेल का, तो मैं बताना चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट का बेस्ट 12 हज़ार रुपये की कीमत में ये सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग ऑन नेक्स्ट है, जिसकी MRP करीबन 17,900 रुपये और आपको 6,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ में 11,900 रुपये का मिलेगा। अगर आप किसी बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल सकता है, उसके बाद में आपका ये फ़ोन 11,000 का पड़ जाएगा। मैंने फ़ोन ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से और इसका इनवॉइस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ़ोन मेरे केवल पड़ा है सैमसंग ऑन नेक्स्ट 10,482 रुपये का, डिस्काउंट मिला मुझे 7,418 रुपये का। तो इस तरीके से 12,000 रुपये की कीमत में फ़ोन बेस्ट है। इस फ़ोन के फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इस फ़ोन में आपको यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, रियर कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। साथ ही में आपको इसमें कोई हाइब्रिड सिम से स्लॉट वाला फंडा नहीं मिलेगा, आप इसमें 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड इजीली इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे 1 सिम कार्ड लगा सकते हो और यहाँ पे आप 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे हम 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड इजीली यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन के एंड्रॉयड वर्जन की बात किया जाए यहाँ पे एंड्रॉयड 7.0 देखने को मिलता है और हो सकता है फ्यूचर में आपको एंड्रॉयड ओ की अपडेट भी मिल जाए। साथ में फ़ोन की रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको करीबन 64 GB में से आपको 53 GB का स्टोरेज आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख लीजिए स्टोरेज यहाँ पे 53 GB दिया हुआ और मेमोरी की बात की जाए तो यहाँ पे 1.2 GB मेमोरी दी गई है। 3 GB में से करीबन आपको 1.2 GB की रैम फ्री मिल रही है, यहाँ पे देख सकते हो 1.6 GB रैम सिस्टम और ऐप यूज़ कर रहा है। तो 3 GB का रैम है और फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट है, यहाँ आप देख सकते हो कितनी जल्दी यहाँ पे फ़ोन अनलॉक हो जाता है। फ़ोन की स्क्रीन साइज़ 5.5 इंच दी गई है और फुल HD स्क्रीन का यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। हालाँकि फ़ोन में भी माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलेगा और साथ में आपको 3.5 mm जैक भी दिया गया है। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं 12,000 रुपये का प्राइस रेंज, तो फ्लिपकार्ट पर अभी ऑफर चल रहा है और ये फ़ोन खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट पे 12,000 रुपये की कीमत में। यहाँ पर प्रोसेसर की बात की जाए तो सैमसंग का एक्जीनोस 7870 ऑक्टाकोर CPU दिया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड 1.6 GHz पे वर्क करता है। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे फ़ोन में आपको करीबन 3300 mAh की बैटरी दी गई है और फ़ोन के वेट की बात की जाए तो करीबन आपको 167 ग्राम का ये फ़ोन मिलता है। फ़ोन ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लगता है। अगर बैक साइड से देखा जाए तो सैमसंग J7 Prime की तरह ही हमें पूरा फील होता है, बस केवल मॉडल नंबर यहाँ पे चेंज किया गया है इस फ़ोन का, बाकी पूरा फ़ोन पूरा मॉडल लुक वाइज सैमसंग J7 Prime की तरह ही लगता है। फ़ोन के फर्स्ट इंप्रेशन से काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है फिंगरप्रिंट की तरफ से। अगर आप फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन खरीदना चाहते हो तो इस रेंज में शायद ये बेस्ट फ़ोन हो सकता है सैमसंग का, जो कि इतनी कम कीमत में आता है और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। अगर आप डिजिटल पेमेंट करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप सैमसंग के ऐप से ही कर सकते हो। डिज़ाइन वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।